बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव शाम तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटों पर दस्तक दे सकता है। ये चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक देगा। अगर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी हो जाए तो कोई हैरानी नहीं, लेकिन इस तूफान के आने से पहले इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा, ये एक चक्रवात है, जो नया चक्रवात जिसका नाम है रिमल, और बंगाल में जगह जगह में हवा और बारिश के साथ बहुत सारे घरों को गिरा दिया और बहुत सारे लोग अपने जान गंवाए। तो दोस्तों, आइए हम पूरा वीडियो को देखते हैं। तेज बारिश हो रही है, ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके लिए NDRF से लेकर नौसेना तक सब तैयार हैं। कोलकाता में कई जगहों पर तेज और कई जगहों पर हल्की बारिश होनी शुरू हो गई है। बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं, हवाओं की रफ्तार तेज हो गई है। भारतीय नौसेना चक्रवात रेमल पर बारीकी से नजर रख रही है। चक्रवात रेमल जिसके गंभीर चक्रवात में बदलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं सागर द्वीप पश्चिम बंगाल और खेपपुरा बांग्लादेश के बीच टकराने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज इस तूफान से भारी नुकसान होने की भी आशंका है। दोस्तों, साइक्लोन रेमल का बंगाल से बांग्लादेश तक असर दिख रहा है। तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच चक्रवात रेमल बंगाल और बांग्लादेश के तटों को पार कर चुकी है। साइक्लोन रेमल की रविवार रात को बंगाल के तटों पर लैंडफॉल हुई। जब यह बंगाल के तट पहुंचा, तब इस दौरान हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी। साइक्लोन रेमल की वजह से बंगाल के कई जगहों जिलों में बारिश हो रही है। जगह जगह पेड़ उखड़े हैं, कई घर इससे तबाह हो चुकी है। वही आधी पानी में कोलकाता में दीवार गिरने से एक की मौत हो गई है। IMD की माने तो बंगाल से बांग्लादेश तक तबाही मचाने वाले रिमल और कमज़ोर होने वाली है। चक्रवाती तूफान रिमल कैनिंग पश्चिम बंगाल से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों को पार कर रहा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लैंडफॉल की प्रतिक्रिया जारी है और अगले 2 घंटा तक जारी रहेगी। तो दोस्तों साइक्लोन रेमल की जो खबरें, ये न्यूज़ 18 हिंदी नेशन में प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि रेमल चक्रवात बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार तेज आंधी और तूफान के साथ आया और बहुत सारे घरों को और बहुत सारे लोगों की जान ले लिया। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें और प्रार्थना करें, ताकि जो लोग इस संकट में गिरे हैं और चक्रवात के कारण अपने घर को खोए हैं, अपने सगा संबंधी लोगों के जान को खोए हैं, उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है और सभी के लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें, ताकि हर एक लोग जो इस चक्रवात के कारण समस्या में घिरे हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। दोस्तों, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके बीच में इसीलिए लाया हूँ कि आप सभी मिलकर प्रार्थना करें, ताकि ये जो साइक्लोन है जल्द से जल्द चले जाए और लोग राहत के सांस लेने पाए। तो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की।